तो गाइज यहाँ पे अगर रेल का तत्काल टिकट आपको बुकिंग करना है तो गाइज इसके लिए आपको एक IRCTC रेल कनेक्ट करके एक ऐप्स आएगा, उसको आपको प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। एंड गाइज इसको डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको लॉग इन कर लेना है। एंड गाइज इसको अकाउंट आपको बना लेना है, ठीक है। यहाँ पे मेरा जो है अकाउंट पहले से बना हुआ है, इसलिए मैं अपना जो पिन कोड और उसके जो वो वाला आ रहा है ना, जो वेरीफाई वाला वर्ड आ रहा है, उसको हम फ्लिप कर दिया है। एंड गाइज इसको हम लॉग इन कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइस अगले बताते हैं यहाँ पे आपको कैसे तत्काल टिकट यहाँ से बुकिंग करना है। यहाँ पे आपको ये माई मास्टर लिस्ट वाले ऑप्शन में चले जाना है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो एड्रेस है, एंड गाइस मेरा जो डिटेल्स है यहाँ पे मैं पहले से फ्लिप करके रखा हूँ। एंड गाइस यहाँ पे आपको ऐड पैसेंजर पे क्लिक कर लेना है। एंड गाइस आपका जो डिटेल्स है यहाँ पे आपका नेम, नीचे बर्थ डेट, एंड गाइस यहाँ पे आपका जेंडर और यहाँ पे आपको कौन से वेट चाहिए। यहाँ पे आपको नो प्रेफरेंस में क्लिक करना है, ठीक है। इसमें आपको नो प्रेफरेंस एंड नो फूड में क्लिक कर देना है। एंड गाइस यहाँ से आपको कोई भी एक आईडी कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। एंड गाइस इसके नीचे आपको आईडी कार्ड का नंबर भी यहाँ पे डाल देना है। ऐसे करके आपका डिटेल्स यहाँ पे सेव कर देना है, जैसे कि मेरा यहाँ पे सेव हुआ है। उसके बाद आपको गाइस यहाँ पे आप प्लान माई जर्नी पे क्लिक करना है। आपको जहाँ से जहाँ जाना है इसके लिए आपको यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रायपुर ले रहा हूँ, और इसके बाद दूसरा ऑप्शन जहाँ पे मैं उतरूँगा उसका ऑप्शन ले रहा हूँ। आपके पास अगर IRCTC का कोई अकाउंट नहीं है तो गाइज इसको करने से पहले अगर आप IRCTC वेबसाइट में जाइए, ऑफिशियल IRCTC वेबसाइट में जाइए, एंड गाइज वहाँ पे जाके एक आपके IRCTC अकाउंट आप वहाँ से क्रिएट कर लीजिए। उसके बाद ही आप इस ऐप से काम कर पाएंगे, एंड गाइज यहाँ से आप तत्काल टिकट बुकिंग कर पाएंगे, ठीक है। इससे पहले मेरा तो बना हुआ है पहले से, इसलिए हम तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने तत्काल किया, और यहाँ पे जो स्लीपर कोचेस हैं यहाँ पे 156 मतलब 156 सीटेड जो है बुकिंग होगा। लेकिन ये क्या है, अभी 11 नहीं बजा है इसलिए यहाँ पे रेड कलर में आ रहा है। जब भी गाइज 11 बज जाएगा तुरंत आपको एक्शन लेना है, उसी टाइम आपको बुकिंग करना है, ठीक है। थोड़ा सा अगर लेट करेंगे तो आपका बुकिंग नहीं होगा। तो अभी तक जो है 11 नहीं बजा है इसलिए यहाँ पे जो है बुकिंग रेड कलर में आ रहा है, ठीक है। गाइस जब भी 11 बज जाएगा उसी टाइम आपको यहाँ पे एक्शन ले लेना है, मतलब आपको यहाँ पे सबमिट करना है, ठीक है, कैप्चर वगैरह डालना होता है, ठीक है। और पेमेंट के लिए आप पेटीएम का ये यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पेटीएम में फटाक से पेमेंट हो जाता है, एंड गाइस जो है बुकिंग हो जाता है। तो आप यहाँ पे इसको ऐप्स को देख सकते हैं, इसका जो ओवरव्यू, ठीक है। और चलिए यहाँ पे चलिए गाइस 11 बजे आपको यहाँ पे बुकिंग करके मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और देखते हैं 11 कब बजे। तो गाइस देखिए यहाँ पे जो रेड कलर में था अभी अवेलेबल पे ब्लू ग्रीन कलर हो गया है। एंड गाइस इसको फटक से ओके करते हैं। एंड गाइस ऐड एग्जिटिंग यहाँ पे क्लिक करना है, एंड जो एड्रेस मतलब अपना डिटेल्स जो हम फ्लिप कर दिया था उसको यहाँ पे ऐड कर लेंगे। एंड गाइस थोड़ा सा अगर नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एड्रेस वगैरह डालना होता है। तो यहाँ पे एड्रेस पे मैंडेटरी जो होता है इसको डालना होता है, और ऑप्शनल यहाँ पे आप उसको छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एड्रेस अपना दे रहा हूँ मोहली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे आना है, यहाँ पे देखिए पिन नंबर मांग रहा है, तो यहाँ पे पिन नंबर भी आपको डाल देना है। एंड गाइस और उसके नीचे आपको पोस्ट ऑफिस जहाँ पे है उसको डाल देना है। एंड गाइस यहाँ पे मैं पे थ्रू भीम UPI से पेमेंट करने वाला हूँ, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। एंड गाइस अगर आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो येस करके इसको प्रीव्यू जर्नी डिटेल्स पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो है आपका बुकिंग सीट का जो बुकिंग है ये प्रोसेस चालू हो गया है। आपका इंटरनेट कनेक्शन जितना फास्ट रहेगा उतना जल्दी ये बुकिंग हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी आपके जितना भी इंटरनेट फास्ट रहेगा फिर भी यहाँ पर टाइम ले लेता है डाउनलोडिंग के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपका कैप्चर डालना होता है गाइज, और यहाँ पे आपको कैप्चर यहाँ पे तुरंत फटक से डालना है, ठीक है, एकदम करेंट के माफिक काम करना है, नहीं तो आप बुकिंग कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो गाइज वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं इस टाइप के वीडियो रेगुलर लेके आता हूँ आप लोगों के लिए। तो गाइज ये देखिए यहाँ पे मैं अपना भीम UPI पे पेटीएम को सिलेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे हमको इसको सबमिट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भीम UPI से हम पेमेंट नहीं करने वाले हैं, हम पेमेंट पेटीएम से पेमेंट करने वाले हैं, इसलिए हम पेमेंट पेटीएम का नंबर यहाँ पे डाल रहे हैं। एंड गाइज इसको प्रोसेस करना है, तुरंत मेरे पास एक OTP आ जाएगा। एंड गाइज वहाँ से आपको OTP यहाँ पे फिल कर देना है, इसको वेरीफाई कर देना है, उसके बाद इसको पेमेंट कर देना है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है करेंट की माफी करना है, ठीक है। जैसे कि मैं बताया हूँ आपको एग्जिटिंग मतलब मास्टर लिस्ट में जाके उस ऐप्स में मास्टर लिस्ट में जाके आपका एड्रेस वगैरह डिटेल्स वगैरह पहले से फिल करके रखना है। एंड गाइस जब भी 11 बजेगा उसी टाइम वहाँ पे जाके आपको पैसेंजर ऐड कर लेना है, और पोस्ट ऑफिस वगैरह इसको डाल देना है, ठीक है।
और जब भी 11 बज जाएगा उसी टाइम आपको इसको सबमिट कर देना है, ऐसे करने से आपका टिकट जो है तत्काल में तुरंत बुकिंग हो जाएगा। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।